बात सुनो, तुम्हारा दिमाग ठीक हुआ है या उसे ठीक करना पड़ेगा? क्या हुआ मम्मी? मम्मी की बच्ची, कल तुम्हारा शौहर दरवाजा पीट पीट के थक गया, लेकिन तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? जिस शख्स की औलाद मैं पैदा करने वाली हूं, अगर वही मुझसे बेवफाई करे तो क्या करूं? उसको अपने सर पर बिठाओ। वो कल रात वहीं था जहां उसे होना चाहिए था, कमरे के दरवाजे के पीछे। अरे बेवकूफ लड़की, मर्द तो होता ही दिल फेंक आशिक है, और वैसे भी फसादन की जड़ जो है वो तुम्हारी अपनी बहन है। पहले उसने अरसलान को फंसाया, फिर तुम्हारे मियाँ को वरगलाया। देख लो, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें ढके छुपे लफ्जों में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी आंखों पे तो बहन की मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई थी। अगर मेरी बहन बुरी है ना, तो कौन सा मेरे शोहर का कैरेक्टर अच्छा? दोनों बराबर के ही कसूरवार। इतना बुरा है तो छोड़ क्यों नहीं देती वो अपने शोहर को? जिसने एक बार बेवफाई की है वो दोबारा भी कर सकता है। लेकिन इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर? इसके लिए मैं तुम्हें क्लिनिक ले जाती हूँ। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो जी आ गए। वैसे शौहर के साथ मैके आने का भी ना अपना ही मजा है, अलग ही खुशी है। औरत का मान सातवें आसमान पर चला जाता है। सच बताऊं, आपसे दूर रहकर ना मुझे आपकी और भी कदर हो गई है। आपस में मोहब्बत खालिस हो ना तो दूरी कदर को और भी बढ़ा देती। चलो खैर, देरा है दुरुस्त है, तुम्हें मेरी कदर आई तो सही। ये तो है। अरे धूप में क्यों खड़ी हो, चलो अंदर चलो ना, आ रहा हूँ। जल्दी आ जाइएगा। हाँ बस मैं बाइक खड़ी कर। अम्मी अम्मी तबस्सु, अम्मी तबस्सु, अम्मी क्या हुआ? अम्मी रो क्यों रही है? तबस्सु बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हो गया तबस्सु। सामने के ससुराल वालों ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरी बच्ची पर। अल्लाह उन्हें पूछेगा भी, इतने समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैसा इल्जाम? वो सामने के ससुराल वालों ने कहा कि सामिया का और फुरकान का एक दूसरे साल सामिया को घर से निकाल दिया उन्होंने बेटा।